गुड मॉर्निंग बच्चों, चांदनी, विवेक, सृजन, महिमा और बाकी जो लोग भी आना चाहते हैं, अनन्या, जयंती का, हर्षिता। बच्चों ये बताइए, आज हम सब वही चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, इवोल्यूशन वाला चैप्टर तो लंबा है ही है। ये बताओ बेटा, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी किसे कहते हैं आप? स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, ठीक है। एक्चुअली बेटा इवोल्यूशन किसे कहते हैं? इवोल्यूशन किसे कहते हैं हर्षिता? चेंजेस इन द प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड इवोल्यूशन, ठीक है बेटा, इसे हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। ये बताइए कि स्टेलर डिस्टेंस किससे मेजर करते हैं हम लोग? किससे करते हैं? लाइट ईयर से करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये बताइए बेटा कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ हुई है? अर्थ में हुई है या वाटर में हुई है? वाटर में हुई है, ठीक है बेटा, लाइफ की ओरिजिन वाटर में हुई है, ठीक। ये बताइए बेटा कि यूनिवर्स की ओरिजिन और अर्थ की ओरिजिन को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थ के फॉर्मेशन को, यूनिवर्स से अर्थ के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? कॉस्मिक इवोल्यूशन कहते हैं, वेरी गुड बेटा। ये बताओ कि गैलेक्सीज और यूनिवर्स में कौन बड़ा है? यूनिवर्स बड़ा है, ठीक बेटा, यूनिवर्स गैलेक्सीज में यूनिवर्स बड़ा है। बेटा ये बताओ स्टार्स, क्लाउड और डस्ट के ग्रुप को क्या कहते हैं, क्लस्टर को क्या कहते हैं? स्टार्स, क्लाउड, गैलेक्सीज कहते हैं, ठीक बेटा। ये बताओ बेटा सोलर सिस्टम किससे मिलकर के बना हुआ है? सोलर सिस्टम किससे मिलकर के बना हुआ बेटा? प्लैनेट से मिलकर बना हुआ, यस बेटा। सोलर सिस्टम में बेटा अर्थ प्लैनेट इंक्लूड है या नहीं है? है। यूनिवर्स, यूनिवर्स बेटा स्मॉल है या वास्ट है? वास्ट है। अर्थ उसके कंपेयर में कैसी है? बहुत स्मॉल है, करेक्ट है बेटा। यूनिवर्स कितने समय पहले बना था बेटा? 20 बिलियन ईयर्स को बेटा। यूनिवर्स के बनने में कितने एक्सप्लोजन हुए थे? एक एक्सप्लोजन, एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था, यस बेटा। हाइड्रोजन, हीलियम तुरंत बने थे या कुछ बाद में बने थे बेटा? बाद में बने थे बेटा। वाटर वेपर्स, मीथेन, अमोनिया, ये सब किससे प्रोड्यूस होकर बनी थी बेटा, बोलो बेटा? मोल्टेड मास से बनी थी, करेक्ट बेटा, ओके, वेरी गुड बेटा। इसके बाद अगर हम ये कहें बेटा, ऑक्सीजन कंबाइंड हुई थी अमोनिया एंड मीथेन से, तो क्या प्रोड्यूस किया था यहाँ पर? ये नहीं, थोड़ा सा वाटर है, लेकिन ये क्या आपको लग रहा है कि क्वेश्चन सही दिख रहा है? ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म द वाटर, ये स्टेटमेंट जो आपको नजर आ रहा है, आप क्या देख रहे हो, इसे कैसे देख रहे हो, ये किस प्रकार आपको बिल्कुल केमिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही लग रहा है? हाँ चलो, ये भी, चलो ये भी ले लिया, क्या केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक लग रहा है आपको, ये बताओ बेटा। सब लोग बोलो बेटा, सब लोग, जितने भी लोग, क्या केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक लग रहा पॉइंट है? भाई फॉर्म्स वाटर, देखे ऑक्सीजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन, कंबाइन है, हाँ रिएक्ट है, करेक्ट करेक्ट, ये सही है, कंबाइन में रिएक्ट कहा जाएगा, तो बेटा सही हो जाएगा ये, हाँ यह सही है। ऑक्सीजन कंबाइन कहा गया है, ऑक्सीजन रिएक्ट विद अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर एंड CO2 एंड नाइट्रोजन, अदर्स मेटा नाइट्रोजन,
ये कब हुआ होगा, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में या ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में? अरे गलत हो गया, ये कब हुआ था, यह घटना कब हुई थी? हाँ, यह इवेंट ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट में हुई। बेटा जब तक ऑक्सीजन बनेगी नहीं तब तक रिएक्शन कैसे होगी? तो ये जो लाइन एनसीईआरटी ने लिख दी है ये कब लिखी है, जब ब्लू ग्रीन एलगी बन गए थे, जब क्या बन गए थे, ब्लू ग्रीन एलगी बन गए थे, यानी कि जब फोटोसिंथेसिस हो गई थी तब की बात लिखी है, समझे? तब लिखा गया था जब बीजीय बना था, क्योंकि सबसे पहले बीजीय में ही बेटा ऑक्सीजन इवॉल्व हुई थी, उससे पहले बैक्टीरिया सल्फर बैक्टीरिया थे। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग बेशा मेंशन करेंगे, थोड़ा सा इवोल्यूशनरी पार्ट है, अगर उसे हम बताएं आपको तो गौर से देखिएगा हम क्या कहना चाहते हैं। आइए, हाँ यहीं पर बोल दें, यहीं पर बोल देते हैं ना। चलिए, एक क्वेश्चन है, इवोल्यूशनरी पॉइंट है, हम लोग आगे थ्योरीज तो बता ही रहे हैं, वो सब चीज़ें तो हैं, बट यहाँ पर जो एक क्वेश्चन कहना चाहते हैं, नेचर में सबसे पहले क्या बना था? देखो एक बहुत अच्छा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे कहते हैं, हम लोग कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड था कि इवोल्यूशनरी पॉइंट, ऑब्वियसली देखिएगा नेचर में पहले हमारे पास न्यूक्लियोटाइड थे बेटा, मानते हो, मोनोमर है, शुगर था, मानते हो, मोनोमर थे, एमिनो एसिड था, मानते हो, मोनोमर थे, ये तीनों ही क्या थे बेटा, मोनोमर। क्या मुझे बताओगे पॉलीमर बनने के लिए क्या हुआ होगा और सबसे पहले कौन सी रिएक्शन हुई होगी? मैं जहां तक सोचता हूं बेटा न्यूक्लियोटाइड ने क्या बनाए थे बेटा, आरएनए, ठीक, और आरएनए ने कैसे काम किया था, एज ए कैटलिस्ट, फिर उसने बेटा एमिनो एसिड को जोड़ा और क्या बना दिया बेटा, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन। तो मेरे हिसाब से बेटा सबसे पहले क्या बना था पॉलीमर में, आरएनए या प्रोटीन? आरएनए। इसके प्रमाण कहाँ देखते हो हर्षिता, कुछ नजर आता है बेटा? जब प्रोटीन बन गए होंगे है ना, और आरएनए रहे होंगे, तो मैं सोचता हूं कि आरएनए और इस प्रोटीन ने कवरिंग बना दी होगी तो वायरस बना होगा, क्या ये हो सकता है? yes, सभी बच्चों बोलो, हो सकता है ना, शायद ऐसे ही हुआ होगा। फिर बेटा एक चीज और, ये कन्फ्यूजन है और लोग अलग ढंग से एक्सप्रेस करते हैं इसको, मैं जो समझ पा रहा हूँ, ये तो एक कैटलिस्ट हो गया ना, हमें मालूम बेटा ये राइबोसोमल आरएनए यही तो है कैटलिस्ट, आज कहाँ पर बेटा, राइबोसोम है ना, और इसने अपने साथ किस चीज को मिला लिया है, सम प्रोटीन, तो क्या राइबोसोम हुआ कि नहीं हुआ बेटा? दिस इज राइबोसोम, यस या नो बेटा? तो राइबोसोम कैसे बना, राइबोसोम क्या है बोलो बच्चों, सब लोग बताओ, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है कि नहीं है बेटा, यस या नो? राइबोसोम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है, यस, मैं तो समझ रहा हूं यही है। तो बेटा राइबोसोम पहले बना कि आरएनए पहले बना, आरएनए पहले बना कि प्रोटीन पहले बना, आरएनए पहले बना कि प्रोटीन बने, आरएनए, तो आरएनए किसकी तरह काम किया बेटा, कैटलिस्ट,
एमिनो एसिड को मिलाकर क्या बना दिया उसने, पॉलीपेप्टाइड। इसके प्रमाण आपको कहां मिले? आज भी ये राइबोसोम क्या बना रहा है बोलो, आज भी यही तो या आरआरएनए, कौन सा आरएनए याद करो बेटा, 23S राइबोसोमल आरएनए, आज भी तो वही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या कर रहा है? पेप्टाइड बॉन्ड इन बिटवीन अमीनो एसिड, यस या नो? तो आज भी प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड आरएनए ही तो बना रहा है, और तब भी बना रहा था और आज भी बना रहा है। तो क्या आप ये नहीं कह सकते हो कि प्रोटीन को बनाने वाला आरएनए है? तो आरएनए पहले बना होगी, प्रोटीन पहले बनी होगी, यस मुझे तो यही लग रहा है। बच्चों, जयंती का सृजन क्या बना होगा, आप लोग सोचो बेटा थोड़ा सा, बहुत तकलीफ है। अच्छा अब बताओ बेटा, प्रोकैरियोट्स पहले बने कि यूकैरियोट्स? अच्छा सुनो बेटा, अब आइए एक अगला क्वेश्चन ध्यान से, बहुत अच्छे से इवोल्यूशन पढ़ ही रहे लोग, उसमें हम लोग जाना है। फिर बेटा जब ये पॉलीमर्स बन गए, इनको उन्होंने क्या नाम दिया बेटा बोलो, पॉलीमर नाम दिया, मोनोमर से पॉलीमर बने ना, ठीक। फिर बेटा सोचो क्या ऐसा हुआ होगा, ऐसा मैं मानता हूं कि शुगर से बेटा पॉलीसैक्राइड भी बने। तो अब मैंने सबको क्या किया, सबको जोड़ा, कैसे जोड़ा देखो, इन सबको जोड़ने जा रहा हूं बेटा, आरएनए करेक्ट बेटा, शुगर पॉलीसैक्राइड बेटा, प्रोटीन पॉलीमर्स। क्या कहा इसे, इसे क्या कहा बेटा, इसे लोगों ने माइक्रोस्फीयर कहा है, समझे? क्या कहा बेटा, माइक्रोस्फीयर। फिर लोगों ने कहा इस माइक्रोस्फीयर को बेटा क्या कहा, क्वेसर वेट्स भी कहा। इस माइक्रोस्फीयर को लोगों ने क्या कहा बेटा, क्वेसर वेट्स भी कहा। प्रोटीन, आरएनए, शुगर, ठीक, हाँ, चारों ओर वाटर के मॉलिक्यूल की लेयर लाइक दिस, कंफर्म नहीं थी बट हो गई, ये क्वेसर वेट्स कहलाए बेटा। ये बात जरूर है, आप सब भी जानते हो अच्छे से कि आरएनए काम नहीं कर पाया तो किसने काम ले लिया उसका, डीएनए ने, सही? और आरएनए वास्तव में काम नहीं कर पाया उतनी ताकत से, तो जो प्रोटीन बना उसने भी काम छीन लिया, मतलब आरएनए एक्ट एज एंजाइम। लेकिन जब साइटोप्लाज्म में बात आई तो प्रोटीन का, देखो आरएनए तुम काम ज्यादा नहीं कर पा रहे हो तो प्रोटीन का मैं एंजाइम काम करूंगा। तो कौन सबसे पहले बना बेटा, आरएनए, लेकिन उसने अपना जेनेटिक मटेरियल का सारी चीजें किसको सौंप दी बेटा, डीएनए को, और एंजाइम का करेक्टर किसको सौंप दिया, प्रोटीन को। क्या मुझे इस तरह के एविडेंस नजर नहीं आ रहे हैं? शायद आ रहे हैं, यही चीज हुआ है, ठीक है ना। अब क्वेसर वेट्स के बाद क्या बना बेटा, क्वेसर वेट्स के बाद ही ये मानकर चलिए कि अंदर इस आरएनए से डीएनए इवॉल्व हुआ है, उसने अपनी छोटी सी जगह है बनाई। इस आरएनए से क्या इवॉल्व हुआ बेटा, डीएनए इवॉल्व हुआ, उसने अपनी छोटी सी जगह है बनाई, और वो बेटा रहा ये डीएनए, जो कैसा हो गया बोलो, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड विदाउट फ्री एंड, एरिया न्यूक्लियोइड कहलाया, और सारी चीज बेटा, सब चीजें इसको घेरती चली गईं। और ये स्ट्रक्चर जो बना था, जिसे आप नाम दे रहे हो क्या चीज, राइबोसोम, वो भी तो उसी में घिर गया। और तब बेटा जानते हो क्या हुआ, ये क्या करता था, बाहर से चीजों को ले लेता था, किससे ले लेता था, समुद्र से। लाओ भाई भूख लगी है, लाओ भाई
भूख लगी है भाई, शुगर आओ, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, और खा लेता था। धीरे धीरे क्या हुआ, समुद्र में सब कुछ खत्म हो गया, समुद्र में सब कुछ खत्म हो गया, फिनिश। बड़ी समस्या हो गई, अब क्या करोगे जब सब कुछ समुद्र में, ये जो शुगर उगर बना था सब खत्म हो गया, इतना खा गए बेटा ये लोग, क्या हुआ होगा। तब इन्होंने सोचा होगा, चलो एक सब क्या है, कोई सर्विस हेटरोट्रॉफिक हुए या ऑटोट्रॉफिक, अगर कहीं बाहर से ले रहे हैं तो कैसे बेटा, हेटरोट्रॉफ्स हैं। फिर जब समुद्र में सब कुछ खत्म हो चुका होगा, तब इन्होंने कहा यार अब क्या किया जाए, कहीं कुछ बनाओ यार, नहीं तो मर जाएंगे हम लोग। अच्छा एक काम ये और करते थे, अंदर ही बेटा अंदर ही फर्मेंटेशन करते थे, अंदर ही फर्मेंटेशन से क्या निकलती थी, एनर्जी, मींस एनरोबिक रिस्पिरेशन। तो हेटरोट्रॉफिक थे और कैसे थे बेटा ये, एनएरोबिक थे। अगर कभी भी कोई सर्वेट्स या पहला ऑर्गेनिज्म पूछा जाए सेलुलर, एनएरोबिक थे। फिर क्या हुआ, फिर बेटा ये प्रोकैरियोट्स लाइक स्ट्रक्चर बने, और फिर प्रोकैरियोट ने हेटरोट्रॉफिक थे, फिर प्रोकैरियोट ने काम किया, एक थे बेटा डीप सी सल्फर बैक्टीरिया, कौन थे बेटा, इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने HCO2 लिया, H2S लिया, ग्लूकोज बना डाला, वाटर और सल्फर रिलीज किया। हाँ क्या प्राप्त की, केमिकल एनर्जी बाय फर्मेंटेशन। ये कौन से थे बेटा, डीप सी सल्फर बैक्टीरिया थे। तो ये बेटा ऑटोट्रॉफिक हैं, बट कैसे ऑटोट्रॉफिक हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ बिकॉज एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस। लेकिन जो सरफेस पर थे, हाँ दूसरा पॉइंट ये क्या थे बेटा, डीप सी। सेकेंड नंबर बेटा क्या लिखे बोल लो, प्लैंकटॉनिक, जो ऊपर फ्लोट कर रहे थे, प्लैंकटॉनिक सी सल्फर बैक्टीरिया ने क्या किया, इन्होंने भी यही रिएक्शन किया, 6 CO2 12 H2S C6H12O6 +6 H2O +12। इन्होंने बेटा लाइट एनर्जी, क्यों इन्होंने डेवलप कर लिया था क्या, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो ये क्या कहलाया, ऑटोट्रॉफिक के हेटरोट्रॉफ बेटा, ये ऑटोट्रॉफ्स हो गए। कैसे ऑटोट्रॉफ, जो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं कर रहे थे सल्फर निकाल रहे थे, एन ऑक्सीजनिक ऑटोट्रॉफ्स कहलाए। फिर क्या हुआ, इस क्लोरोफिल में थोड़ा सा चेंज हुआ, और बेटा ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल बिकम क्लोरोफिल। ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल क्या हो गया बेटा, क्लोरोफिल हो गया। और एक छोटा सा चेंज हुआ, सभी लोग देखिएगा, नंबर तीसरा पॉइंट बना बेटा, और ये बेटा हो गए साइनो बैक्टीरिया। और रिएक्शन क्या है, क्या लिया बोलो, 6CO2 पानी ले लिया इन्होंने, क्या लिया बेटा, लाइट एनर्जी। क्या चेंज कर लिया था, क्लोरोफिल ए, क्या बनाया था, ग्लूकोज,
वाटर प्लस क्या इन्वॉल्व की थी, ऑक्सीजन, अब एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग हो गया था। ये बताओ बेटा एटमॉस्फेयर में अमो नाइट्रोजन थी कि नहीं थी? थी। ये बैक्टीरिया, एक चीज और है, ये तो बीजीए हैं। तो अब हमने कहा कि मैंने क्वेश्चन कहा बेटा ऊपर वाले बैक्टीरिया का, इससे पहले बेटा न्यूट्रिशन कैसा था, लेकिन अब न्यूट्रिशन कैसा हो गया है, ऑटोट्रॉफ। ये कैसे मतलब कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं, ये कैसे हैं? करेक्ट। और ये कैसे हैं? ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं। यही तो इवोल्यूशन हुआ होगा। अब एटमॉस्फेयर कैसा हो गया? अब एटमॉस्फेयर कैसा हुआ? ऑक्सी डाइजिंग हुआ। और जब ऑक्सीजन इवॉल्व हुई बेटा, तब मैं कहूंगा ये हुआ ऑक्सीजन रिएक्ट विद अमोनिया मीथेन टू फॉर्म वाटर CO2 एंड अदर्स। ना कब हुआ होगा? क्यों ऑक्सीजन पहले तो थी नहीं बेटा, पहले एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग, ऑक्सीजन फ्री नहीं थी। शायद ऐसे ही हुआ होगा जैसे मैंने अभी बताया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कुछ चीजें तो निकल कर आई कि इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज बनती है। चलिए खैर, अब फिर से क्वेश्चन आगे पूछता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ये दो पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा बता दिए इस पॉइंट, क्यों मैं बड़े उलझन में था कंबाइंड वर्ड कैसे आया, क्यों ऑक्सीजन तो थी ही नहीं। इन ऑक्सीजन कब आई होगी? जब एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीजन कब हो गया होगा? जब बीजीए बना था, उससे पहले था ही नहीं ऑक्सीडाइजिंग। तो इन शेड्यूल बीच बीच में कूद कूद कर लिख देते ही नहीं। और जब बेटा ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर हुआ, तभी बेटा एक चीज हुई होगी जो लिखी है। क्या लिखी? ओजोन लेयर फॉर्म्ड, वाज फॉर्म्ड, तभी बनी थी। कैसे आप इसे जस्टिफाई कर रहे हो? हाँ देखिए, जब ऑक्सीजन बन गई तो आज हमें पता है ना, आज हमें मालूम ओजोन कहाँ पर है, धरती से कितने ऊपर बेटा, ये अर्थ है, अर्थ से कितने ऊपर है? लगभग 25 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में। इस ओ टू ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया है, ये ओ थ्री बनी। तो कब बनी होगी? और जब ये ओजोन लेयर बन गई धरती पर, जब ओजोन लेयर बन गई बेटा, तब किसने आना बंद कर दिया बोलो? तब यूवी रेडिएशन ने आना बंद कर दिया धरती पर। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रकार से हम लोग इसे पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ बेटा, यहां से कौन सी हेडिंग शुरू होती? ए बायोटिक में एंशियंट थ्योरी में बेटा किसी एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर लाइफ पहुंचती है, कौन सी थ्योरी है? पैनिस्पर्मिया। और बिना लाइफ के लाइफ बन जाती है, कौन सी थ्योरी है? स्पॉन्टेनियस जनरेशन या एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस को कौन सपोर्ट कर रहा है? वान हेलमोंट। एबायोजेनेसिस को कौन, किसने विरोध किया बेटा? रेडी एंड पाश्चर। अल्टीमेटली किसने कर दिया बेटा? पाश्चर ने। श्वान नेक एक्सपेरिमेंट किसका रहा बेटा? पाश्चर का रहा। यस ओके बेटा, अभी बताओ मॉडर्न थ्योरी किसने दी है? ओपेरिन ने। ओपेरिन कहाँ के निवासी रहे हैं बेटा? रशिया के रहे हैं। गुड बेटा, मिलर कहाँ से रहे हैं? अमेरिका। जेबीएस हेल्डन कहाँ से रहे हैं?
इंग्लैंड से रहे, इन तीनों में कौन इंडिया में आकर सेटल हो गया था? हेल्डन, हेल्डन, हेल्डन सेटल हो गए थे, है ना बेटा। इस ओपेरिंस थ्योरी जिसे मॉडर्न थ्योरी कहते हैं, इनकी ओरिजिन ऑफ लाइफ ही तो किताब थी बेटा इनकी। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ किसने लिखी थी बेटा? एआई ओपेरिन ने लिखी थी। मिलर ने बेटा जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उनके एपरेटस को क्या कहा था बेटा? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एपरेटस। उसके बल्ब बड़े फ्लास्क में कितना टेम्परेचर लिया था बेटा? 800 डिग्री सेंटीग्रेड। और हाइड्रोजन अमोनिया मीथेन को किस रेशियो में लिया था बेटा? हाइड्रोजन अमोनिया मीथेन को किस रेशियो में लिया था? 2:1:2 में लिया था। वेरी गुड बेटा। इसमें गैस जो बनी थी उसको क्या किया था फिर बेटा? कंडेंस किया था, कूल किया था। तो वो ये बोलो लिक्विड जो हमें मिला था उसमें क्या देखी गई थी? अमीनो एसिड। सिंपल अमीनो एसिड कौन सी है बेटा? ग्लाइसीन। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सी है? ग्लाइसीन है। गुड बेटा। है कितनी अमीनो एसिड मिलर ने एक्सपेरिमेंट में देखी थी बेटा? 15 देखी थी। ये बताओ बेटा कोई और एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें ऑर्गेनिक एसिड भी बने थे? हाँ, कोई और एक्सपेरिमेंट और लोगों ने भी किया जिसमें और नए अमीनो एसिड भी बने थे? यस यस, वेरी गुड बेटा। इसके बाद क्या अब तक ज्यादातर लोगों ने केमिकल इवोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया था कि नहीं किया था? कर लिया था। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ द लाइफ 3 बिलियन ईयर्स। किसके लिए कहा जाए नॉन सेलुलर बेटा? यही तो बताया था, कोइसर्वेट्स। यही तो बोला था वो, कोइसर्वेट्स के लिए। नहीं, यही तो कोइसर्वेट्स बोले थे, कोइसर्वेट्स के लिए कहा था। यस, चलो हमें तो यहां तो इसी की बात बोल रही ना जो किताब में लिखी हुई है। नहीं, ये कैप्सूल रिप्रोड्यूस हुए थे है ना। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म द लाइफ कब तक नहीं बन पाई थी बेटा? मिलियन से वो ठीक। सिंगल सेल्ड लाइफ जब बनी थी बेटा तो कहां पर बनी थी बेटा? वाटर में बनी थी। फर्स्ट लाइफ के बनने को क्या कहा गया था? लाइफ के बनने को तो बायोजेनेसिस ही कहते हैं ना। लेकिन ये जो पहली लाइफ बनी थी वो कैसे बनी थी? केमिकल इवोल्यूशन से या लाइफ से बनी थी पहली लाइफ बेटा? पहली लाइफ बेटा केमिकल इवोल्यूशन से बनी थी। तभी यह है फ्रॉम द, बोलो किससे? बोलो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से। एक्सेप्टेड बाय द मेजोरिटी ने एक्सेप्ट किया था। और इस तरह के इवोल्यूशन को क्या कहा गया बेटा? ए बायोटिक इवोल्यूशन। करेक्ट, जिसमें हमने एंशियंट्स भी पढ़ी और मॉडर्न थ्योरी भी पढ़ी। यस या नो बेटा? यस, एंशंस मॉडर्न थ्योरी दोनों हम लोगों ने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद से ज्यादा समझ में आ रहा है कि बस उतना ही समझ में आ रहा है? काहे, जितनी उम्मीद उतनी समझ में आएगा पगली। है ना, इस क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ये बताओ बेटा कि अब कौन सी थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। अब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में कितनी चीज पढ़नी है? थ्योरीज, एविडेंसेस, जियोलॉजिकल टाइम स्केल एंड ह्यूमन। तो जल्दी बताओ बेटा, कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर क्या कहते हैं बेटा? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन यानी विशिष्ट सृष्टिवाद। क्या कहते हैं बेटा? विशिष्ट सृष्टिवाद। डार्विन भी किसको मानते थे बेटा? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को, अपनी यात्रा से पहले। इसमें इन्होंने कितनी बातें बोली, कोनोटेशंस बताए हैं? 3 बातें बताई। जो ऑर्गन जैसा बना है वैसे जैसा है वैसा ही बना है। करेक्ट, और जो जैसा है वैसे ही था, वैसे ही है वैसा ही रहेगा। और धरती कितने समय पहले बनी है? 4,000 वर्ष पहले। ये बताओ बेटा कहाँ के जहाज पर डार्विन ने यात्रा की थी? कहाँ का था? कहाँ का था? इंग्लैंड का था। लिखाया नहीं था, इंग्लैंड का था। ठीक, ये चीजें जो डार्विन की थ्योरी में मैंने मेंशन किया था यहां पर, डार्विन ने जब यात्रा की थी यहां पर,
ब्रिटिश ब्रिटिश इंग्लैंड कहते हैं किसको कहते हैं? हाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट इंग्लैंड गवर्नमेंट था। कितने ईयर तक यात्रा की थी बेटा? 5 साल तक यात्रा थी। कैसा शिप था? इस शिप को क्या कहते थे? बोलो। सेल शिप। सेल शिप का मतलब व्यावसायिक यात्री। यात्री नहीं, सेल शिप। ये बेटा व्यावसायिक था। कैसा था? व्यावसायिक जहाज था, है ना। यात्रा की कितने वर्षों तक की थी बेटा? 5 वर्षों तक। इससे पहले ये बेटा किस चीज को मानते थे बेटा? स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। लेकिन अब इन्होंने क्या बात कही, ये कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी में कहीं ना कहीं बेटा सिमिलरिटी है। इन सभी में बेटा क्या है? सिमिलरिटी है। और ये भी कहा इवोल्यूशन के दौरान बहुत से ऑर्गेनिज्म क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं। इवोल्यूशन कैसा होता है? फास्ट या ग्रेजुअल होता रहता है। ग्रेजुअल होता रहता है। यस बेटा, कोई भी पॉपुलेशन आज जो प्रेजेंट है उसमें वेरिएशन पाए जाते हैं। ठीक। अच्छा बताओ, वो ऑर्गेनिज्म जिनको कंडीशन इन्वायरमेंट कंडीशन कैसी मिलती हैं? अच्छी मिलती हैं। वो क्या करते हैं बेटा? बेटर रिप्रोड्यूस होते हैं और पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। ये बताओ बेटा, इन्होंने फिटनेस के लिए किस करेक्टर को सबसे ज्यादा महत्व दिया बेटा? रिप्रोडक्शन को। रिप्रोडक्टिव फिटनेस को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। यस बेटा, किसको दी है? रिप्रोडक्टिव फिटनेस को ही इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। और इन्होंने किस थ्योरी का निर्माण किया या बनाया बेटा? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। फिर से बोलो बेटा, क्या बताया? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स नेचुरल सेलेक्शन। बेटा इन्हीं के समय के दूसरे साथी कौन से थे? वायलेस थे। इन्होंने किस आइलैंड पर काम किया था बेटा? सेम टाइम पर किया था कि आगे पीछे किया था? इन्होंने सेम वर्क दिया था, डिफरेंट वर्क दिया था? सेम नेचुरलिस्ट थे या और कुछ थे? जियोग्राफर थे। नेचुरलिस्ट थे बेटा। करेक्ट बेटा, बहुत सही बात रही। उसके बाद बताओ बेटा, क्या ये जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ द लाइफ है ये धरती के अलग अलग जगहों पर बनी या सब एक जगह बनी? अलग अलग जगहों पर बनी है और अलग अलग टाइम पर बनी। सेम टाइम पर बनी है। अलग अलग टाइम पर बनने को ही हम सब क्या कहते हैं बेटा? इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। फिर बेटा एविडेंस शुरू हो गए हैं। एविडेंस है ना, एविडेंस में सबसे पहला एविडेंस हम लोग कौन सा मेंशन कर रहे हैं यहां पर? बोलो। एविडेंस फ्रॉम द फॉसिल। फॉसिल के एविडेंस को क्या कहा जाता है? पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? पैलेंटोलॉजी कहते हैं। वेरी गुड। अब ये बताओ बेटा, किस रॉक में इनको फॉसिल्स मिले हैं? इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक? सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस रॉक का मतलब ज्वालामुखी वाली, वहां पर तो ऐसे ही ऑर्गेनिज्म नष्ट हो जाएंगे। क्या मेटामार्फोज रॉक में फॉसिल्स मिले हैं? नहीं। मेटामार्फोज माने जो बदल जाती हैं, यानी सेडिमेंट्री रॉक में भी अगर परिवर्तन आ जाएगा, मेटामार्फोसिस हो जाएगी, तो सब जो उथल पुथल हो जाएगी, उसमें हमें फॉसिल्स नहीं मिलेंगे। फॉसिल्स हमें किस रॉक में मिलेंगे? बोलो। सेडिमेंट्री। केवल केवल बोलो, क्या लगाओगे? सेडिमेंट्री रॉक में हमें फॉसिल्स मिलेंगे। ये बताओ, जो ऑर्गेनिज्म बने थे क्या सबके सब प्रेजेंट है या कई बार कुछ लिमिटेड पीरियड में रहकर एक्सटिंक्ट हो गए हैं? कुछ लिमिटेड पीरियड में रहकर बेटा क्या हो गए हैं? एक्सटिंक्ट हो गए। कोई एग्जाम्पल बताओ बेटा, जो लिमिटेड पीरियड में रहकर एक्सटिंक्ट हो गए हैं। डायनासोर। याद है आपको डायनासोर किस एरा में बने थे बेटा? मीसोजोइक एरा में। मीसोजोइक एरा में बने और मीसोजोइक एरा में ही ये एक्सटिंक्ट भी हो गए। डायनासोर बेटा किस क्लास के मेंबर्स माने जाते हैं? एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में या मैमल्स में? रेप्टाइल्स। डायनासोर क्या माने जाते हैं बेटा? रेप्टाइल्स माने जाते हैं, जो विशेष टाइम पर बने और गायब हो गए। ये फॉसिल्स रिकॉर्ड। कार्बन डेटिंग से क्या हम फॉसिल्स का पता लगा लेते हैं? यस या नो बेटा? यस बेटा। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट में इवोल्यूशन है। ये बताओ बेटा, जितने भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी लाइफ सबसे पहले किस सेल से शुरू होती है बेटा?
जायगोट से शुरू होती है। जायगोट में कौन सा डिवीजन होता है कि एम्ब्रियो बनता है, माइटोटिक या मियोटिक बेटा? माइटोटिक डिवीजन के बाद डिफरेंशिएशन होता है। यस बेटा लिखते रहो चांदनी जयंती का। अनन्या कहाँ हो तुम, लिख नहीं रही हो, है ना? तुम कॉपी में लिख रही होगी मुझे मालूम है। हाँ कुछ बच्चे लिखते हैं चैटिंग पर, कुछ कॉपी पर लिखते हैं। क्यों अनन्या कहाँ लिख रही हो तुम? निश्चित से कॉपी में लिख रही होगी ये क्वेश्चन। चलिए बेटा, अच्छा ठीक लग रहा है ना इस प्रकार से रोल करके रिवीजन, मुझे लगता है ठीक है ना। इससे हमें ये लगता है कि हमें नीचे नहीं देखना पड़ रहा किताब के क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बेहतर है। तो बेटा ये बताओ एम्ब्रियोज सभी वर्टिब्रेट्स में अर्ली एम्ब्रियो का पीरियड जो सेम होता है कि डिफरेंट होते हैं? सेम होते हैं ना। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी का मतलब इसमें ऑन्टोजेनी क्या होती है, ऑन्टोजेनी क्या होती है बेटा? सृजन, लाइफ ऑफ इंडिविजुअल होती। फाइलोजेनी क्या होती है? लाइफ ऑफ एंसेस्टर्स, हिस्ट्री कहते हैं। तो क्या है बेटा यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं, है ना? ऑन्टोजेनी रिपीट्स बेटा बोलो क्या चीज बोलो फाइलो। यहां पर किस साइंटिस्ट की बात हो रही है? अर्नेस्ट हेकल और बोलो अर्नेस्ट वॉन बीयर, दोनों अलग अलग हैं। अर्नेस्ट हेकल, अर्नेस्ट वॉन बीयर, यहीं से क्वेश्चन आएगा 2021 में। अभी तक नहीं आए ना। तो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज आल्सो प्रपोज्ड बाय बोलो अर्नेस्ट हेकल, करेक्ट? उन्होंने क्या देखा था बोलो कि सर्टेन फीचर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कैसा होता है, कॉमन होता है सारे वर्टिब्रेट में, जो कि एडल्ट में नहीं होता है। एम्ब्रियोज वर्टिब्रेट में ड्यूरिंग डेवलपमेंट सेम होते हैं, इन एडल्ट में नहीं होता है। हम सब में एडल्ट में क्या होते हैं, वेस्टिजियल गिल स्लिट्स होते हैं, जबकि लार्वा में या एम्ब्रियो में बेटा फंक्शनल होते हैं, करेक्ट? फिर उसको प्रूव किसने किया, है ना, ये क्वेश्चन दिया। ओनली फिश में ही फंक्शनल रहते हैं, वेरी गिल्स नहीं बोलो बेटा। सिल्क बिहाइंड बस्ट फंक्शनल ऑर्गन फाउंड इन द बोलो फिश में, नॉट फाउंड इन अदर वर्टिब्रेट। और कितने वर्टिब्रेट्स पढ़ते हो बेटा बोलो, जल्दी बोलो, पांच। कौन सा बोलो? फिश के बाद बोलो, एम्फीबियंस के बाद बोलो, रेप्टाइल्स के बाद बोलो, एविस बाद बोलो, मैमल्स। कितने पढ़ो बेटा बोलो? पांच। हम पांचों हटा दिए। काहे हटा दिए सर जी? क्योंकि करेक्टर्स भी तो हमें लिखने थे, इसलिए मैंने उसको हटाया। कलर बदलेंगे, है ना, इसलिए मैंने उसको हटाया। मैंने कहा बेटा क्या है बोलो, फिश, फिर बोलो एम्फीबियन, फिर बोलो रेप्टाइल्स, फिर बोलो एविस, फिर बोलो मैमल, और क्या है बोलो, गिल स्लिट। इसके एम्ब्रियो में है कि नहीं है? हैं एम्ब्रियो में, यस 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 एडल्ट में, यस एडल्ट में, नो एडल्ट में, नो एडल्ट में, नो एडल्ट में, नो, करेक्ट? अब बोलो हार्ट, बोलो हार्ट, 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 ये तो गिल स्लिट था। हार्ट बोलो, टू चैम्बर्ड, कब? एम्ब्रियो में कि एडल्ट में? दोनों में। इसके एम्ब्रियो में बोलो टू चैम्बर्ड, एम्ब्रियो में टू चैम्बर्ड, लार्वा में टू चैम्बर्ड, और एडल्ट में बोलो थ्री चैम्बर्ड। इसमें थ्री चैम्बर्ड भी और कुछ में बेटा फोर चैम्बर्ड भी, लेकिन एम्ब्रियो में बेटा टू, वन टू थ्री ऐसे बनता है, बनता ही ऐसे है, और एडल्ट में बेटा थ्री या बोलो फोर, फोर और फोर। इसका मतलब है कि बेटा इवोल्यूशन तो हुआ है नहीं। चलिए उसको डिटेल में नहीं जाना है मुझे, लेकिन एक एग्जांपल मैंने दे दिया है किसके लिए बेटा, हार्ट चैम्बर के लिए। हार्ट चैम्बर एम्ब्रियो एडल्ट, बोलो एम्ब्रियो एडल्ट, यस। आगे चलो बेटा, इसे मिटा दे, नहीं तो फिर कभी देखेंगे तो फिर हम खुद ही उलझ जाएंगे क्या लिखा है। हाँ और क्या, याद नहीं रहता ना, शॉर्ट में लिख दिया, क्या लिखा पता ही नहीं है, अभी जो मन में आया बोल दिया है, ऐसा हो जाता है अक्सर कि खुद ही लिखी चीज समझ नहीं आती मैंने कहाँ क्या बोला था। हाँ बेटा अब देखो, दिस प्रपोजल वाज डिसअप्रूव्ड ऑन केयरफुल स्टडी परफॉर्म बाय बोलो कार्ल वॉन बीयर, ही नोटेड दैट एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू द बोलो एडल्ट स्टेज ऑफ द एनिमल्स, ठीक है? यानी कि जो लार्वा की स्टेज होती है वो एडल्ट में हमेशा जाती नहीं है। तो कितने साइंटिस्ट आपको पढ़ने यहाँ पर, दो,
किसने इम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल। और क्या है, डेवलप रो ऑफ वेस्टिजियल गिल शीट जस्ट बिहाइंड द हेड बट इट इज अ फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन द फिश एंड नॉट फाउंड इन अदर एडल्ट वर्टिब्रेट। हाउएवर इट्स दिस प्रपोजल वॉज डिसअप्रूव्ड ऑन केयरफुल स्टडी परफॉर्म्ड बाय ही नोटेड दैट एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ द। इन दोनों साइंटिस्ट के स्टेटमेंट आपके दिए जा सकते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब कंपरेटिव एनाटॉमी किसे कहते हैं, ये शायद हम लोगों ने नहीं बताया था ना, यहीं पर छोड़ दिया था। अब बताइए, हम लोगों ने आधे ज्यादा समय जो पढ़ाने का था वो तो रिवीजन में गुजार दिया। क्यों हर्षिता, ऐसे रिवीजन करोगे? जब ज्यादा टाइम हो तब रिवीजन, लेकिन ये जरूरी था। तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट है क्या, नेक्स्ट पॉइंट है कंपरेटिव एनाटॉमी क्या कह रही है? दो चीजें बताई जा रही, बेसिकली बेटा दो चीजें बताई जा रही हैं कि ऑर्गन कैसे प्रोड्यूस हुआ है, क्या उसकी ओरिजिन सेम है और फंक्शन सेम है या डिफरेंट है। इस बेसिस पर दो तरह के ऑर्गन्स पढ़ते हो, कौन कौन से, होमोलॉगस और एनालॉगस। ऐसे ऑर्गन्स जिनकी ओरिजिन सेम होती है, फंक्शन डिफरेंट होते हैं, उनका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ओरिजिन सेम है, इन डिफरेंट हैबिटाट में चले जाते हैं। जब डिफरेंट हैबिटाट में चलाते हैं इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन के लिए, तो वहां कंपटीशन में अपने आप को जिंदा रखने के लिए बदलाव करना पड़ता है, और उस बदलाव में वो अपने आप को इतना बदल देते हैं कि उसको अपने जन्म का भी ध्यान नहीं रह जाता। जैसे गाँव से लोग शहर में आ जाते हैं, भूल जाते हैं गाँव में क्या था, उन्हें भूल जाते हैं कि हम गांव में बाजरा की रोटी और सरसों का क्या बोलते हैं साग खाया करते थे, भूल जाते हैं इस चीज को, और शहर की उसमें पहुंच जाते हैं, पिज्जा में आ जाते हैं। ऐसे बेटा होमोलॉगस ऑर्गन्स होते हैं जिनका जन्म तो कैसे होते हैं बेटा, सेम होते हैं, बट इकोलॉजी के अलग अलग हैबिटेट में ड्यू टू कंपटीशन सर्वाइव करने के लिए वो अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज कर लेते हैं और फंक्शन डिफरेंट हो जाते हैं। ऐसे ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, होमोलॉगस कहते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं कि यहां से देखो, यहां से ओरिजिन होकर के ये जा रहा है, रेडिएशन हो गया, ओरिजिन एक, ओरिजिन बेटा एक, यहां गए अलग फंक्शन, अलग फंक्शन, विश वेरी गुड। लेकिन ये बताओ बेटा यहां जो आया है, यहां से यहां आया, अगर यहां चार जगह से आए होंगे तो डिफरेंट जगह से आए, बट जगह क्या है, सेम, सो फंक्शन सेम, ओरिजिन डिफरेंट। तो ऐसा थोड़ी है कि यहां से केवल जाते हैं बल्कि यहां पर आते भी, ऐसा थोड़ी है गांव से केवल शहर में जाते हैं बल्कि शहर से गांव में भी आते हैं। इसीलिए तो किसान आंदोलन चल रहा है, कोई बात थोड़ी, किसान आंदोलन क्यों चल रहा है बताएंगे आप लोग, पिज्जा के लिए चल रहा है बेटा, किसान आंदोलन इसीलिए चल रहा है कि लोग शहर से वापस कहां जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं गेहूं खरीदने के लिए। तो मैंने क्या कहा बेटा, एक ओरिजिन है, डिफरेंट जगह पर गए, दिस इज, बोलो जल्दी से कैसे ऑर्गन, बोलो बच्चा, ओरिजिन सेम, फंक्शन डिफरेंट, होमोलॉगस हो गए, लेकिन ये वो जगह है जहां ये आया है, और यहां से और भी तो लोग आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। अब बोलो बेटा यहां क्या है, डेफिनेटली आप ये मत सोचो कि कोई कहीं से जा ही रहा है, जहां जा रहा है वहां पर बहुत से लोग आ भी रहे हैं। अगर यहां से जा रहा है तो क्यों जा रहा है, क्योंकि उसे यहां पर पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है, कंपटीशन के लिए फैल रहा है, फैल रहा है तो डाइवर्सिफाइड हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। लेकिन अगर बेटा कोई कहीं पर जा रहा तो क्या है, क्योंकि वहां पर कंडीशन फेवरेबल है। तो इसलिए बेटा ये और ये दोनों चीजें क्या है, ये क्या है, होमोलॉगस, यस, और वो क्या है, तो इसमें डाइवर्जेंट कौन है, वो क्या है,
डेफिनेटली कितनी आसानी से आपने याद कर लिया यार, ये बोलो इसको क्या कहो, बोलो होमो डॉमिनस, इन्हें क्या कहोगे, ये कैसे है बोलो, ये कैसा बोलो, अब एग्जाम्पल बचे केवल आपके, फिर तो किताब उसके लिए है ही है। चलिए कंपरेटिव एनाटॉमी एंड साथ में बेटा क्या दिया बोलो, मॉर्फोलॉजी। सो करती सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ टुडे एंड दोज दैट एग्जिस्टेड ईयर्स एगो, करेक्ट है। आइए ये फिगर तो हम लोग बताएंगे जो डायनासोर का ही है। सच सिमिलरिटीज कैन बी इंटरप्रेटेड बाई अंडरस्टैंड वेदर कॉमन एंसेस्टर वर शेयर्ड आर नॉट। फॉर एग्जाम्पल व्हेल, बैट, चीता एंड ह्यूमन सभी कैसे हैं, मैमल्स हैं। इन एग्जाम्पल दिया है होमोलॉगस सारा दिया बेटा, नहीं सभी में बताओ ये फोर लिम्ब की बोन्स कैसी हैं, सेम है ठीक, फोर लिम्ब्स की बोन सभी का पैटर्न सेम है। और फोर लिम्ब की बोन में क्या है बेटा, ह्यूमरस, रेडियोल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस, सभी में कैसी बेटा, सेम है। इन जब बात आती है, फोर लिम्ब परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन दीज एनिमल, दे हैव सिमिलर एंसेस एनाटॉमिकल फीचर, ऑल ऑफ देम हैव, ये करेक्टर दिया हुआ है ये, हेंस दीज एनिमल सेम स्ट्रक्चर डेवलप अलॉन्ग विद डिफरेंट डायरेक्शन, तो बेटा अडॉप्ट डिफरेंट नीड है, ये तो बोला था हम लोगों ने, तो डेफिनेटली डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, स्ट्रक्चर कैसे कहलाते हैं, होमोलॉगस कहलाते हैं। होमोलॉगी इंडिकेट करता है कॉमन एंसेस्ट्री, यस या नो बेटा, होमोलॉगस क्या इंडिकेट करता है, कॉमन एंसेस्ट्री, एक ही पूर्वज बताता है कि डिफरेंट पूर्वज बताता है, हाँ क्या करता है होमोलॉगी, क्या करता है, प्रूव बोलो प्रूव, कॉमन एंसेस्ट्री, यस या नो बेटा, यस गुड। एग्जाम्पल कौन सा लिया था, मैमल्स में फोर लिम्ब, इवोल्यूशन डाइवर्जेंट था कि कन्वर्जेंट था, हाँ हार्ट या ब्रेन, भी इसके एग्जाम्पल हैं या नहीं है, हैं, कैसे बताओगे, हार्ट ब्रेन किस में आए हैं बेटा, कन्वर्जेंट में या डाइवर्जेंट में, होमोलॉगस में या एनालॉगस में, होमोलॉगस में, हार्ट्स एंड ब्रेन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है पढ़ो बेटा, प्लांट में एग्जाम्पल थॉर्न एंड टेंडिल, देखो लिखा ना थॉर्न एंड टेंडिल, ये ओरिजिन दोनों की कैसी है, सेम, लेकिन एक क्या कर रहा है, शत्रुओं से अपने आप को बचा रहा है तो थॉर्न में डेवलप होगा, दूसरा बेटा क्लाइंबिंग के लिए सपोर्ट चाहता है, करेक्ट, तो दोनों डेफिनेटली हम लोग आसानी से क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। तो एग्जांपल बोलो बेटा, इसमें एग्जांपल और किसके हो गए हैं, यहाँ लिखेंगे हम लोग इसमें हार्ट और ब्रेन के बाद, बोलो फोर लिंब भी तो था बेटा है ना, किस में थे एनिमल, प्लांट में कि एनिमल्स में, एनिमल में, और बोलो थॉर्न एंड टेंडिल ये किसके एग्जाम्पल हैं, प्लांट में, दोनों कैसे मेटा, ओरिजिन दोनों की कैसी है, एक्जिल है, एक्जिल है ना, एग्जिल बर्ड है, करेक्ट। आगे बढ़ो बेटा, होमोलॉगी बेस्ड ऑन किस पर बेटा बोलो, डाइवर्जेंशन, वेयर इज एनालॉगी रिफर्स टू द सिचुएशन एग्जैक्टली अपोजिट, एनालॉगी बिल्कुल कैसी बेटा, अपोजिट, तो इस प्रकार से यहां पर खत्म हो गई बात होमोलॉगी की। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड द बर्ड्स कैसे दिखते हैं, सेम, लेकिन क्यों, कहां से आई है बेटा, अलग अलग जगह से, सेम जगह से, हाँ यहां पर ये क्या है बेटा, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, ये क्या बोलो,
विंग्स ऑफ बर्ड्स, दोनों का ओरिजिन कैसे बेटा? डिफरेंट फंक्शन दोनों का कैसा है? सेम, लेकिन एक ही जगह आ गया। चलो भाई एक ही जगह हम लोगों का काम है, उड़ना है, हवा में चलना है, सबको तो सेम हो गया। कैसे हो गया बेटा? ये एनालॉगस हो गया है ना, दो एग्जाम्पल दिए हैं उसके बाद। हाँ, दे आर नॉट एनाटॉमिकल सिमिलर स्ट्रक्चर, दो दे परफॉर्म द बोलो सेम फंक्शन। एनालॉगस ऑर्गन कैसे हो गया बेटा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन एंड हेंस हैविंग द सिमिलरिटी। तो बेटा मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर हैं या एनाटॉमिकल सिमिलर? श्योर। और होमोलोगस ऑर्गन्स? हाँ, ये बोलो, ये कैसे बोलो? एनाटॉमिकली, यस बोलो, सिमिलर बट मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। लिख दें बट बोलो, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हैं। यहां क्या लिखे हैं हर्षिता बोलो? हाँ, यहां मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर क्यों है बेटा? क्योंकि क्या परफॉर्म कर रहे हैं एनाटॉमिकली बेटा? डिफरेंट। यानी एनाटॉमी क्या शो करती है? ओरिजिन। एनाटॉमी क्या शो करती है? ओरिजिन। एनाटॉमी क्या शो करती है? ओरिजिन। एनाटॉमी क्या शो करती है बेटा? ओरिजिन। और मॉर्फोलॉजी क्या शो करती है? एडॉप्टेशन। मॉर्फोलॉजी क्या शो कर रही है? एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन है बेटा। मॉर्फोलॉजी क्या शो कर रही है? एडॉप्टेशन। और इनका एडॉप्टेशन कहाँ है बेटा? डिफरेंट जगह जाना, इनका कहाँ है? सेम जगह। नई टर्म, नई चीज है, बहुत बढ़िया ढंग से लिखा है ना? इस फिगर को कहीं जगह हो तो बनाना, बहुत बेहतरीन ढंग से बनाया है, ठीक है ना? क्यों ऐसा संभव हो पाया बता दो हर्षिता, ऐसा फिगर क्यों बन पाया? हम टहल ले इसको बेटा जब यहां रख लेते ना तो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, ऐसे घूम ही नहीं पाते। नहीं, लड़ता है ये। आज ये सही जगह रखा है, वो किताब नहीं है। सबसे मेन चीज किताब आती है, मेरा दिमाग कुंद हो जाता है यार, पता नहीं क्यों। किताब से पढ़ाना अच्छा नहीं होता है, लेकिन वो एनसीईआरटी नालायक ऐसी किताब है जो कहती हमें पढ़ाओ, ये बेहतर तरीका है। बहुत अच्छा लगा ना बेटा? हेंस एनालॉगस स्ट्रक्चर्स रिजल्ट ऑफ कन्वर्ज डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्विंग द सेम फंक्शन एंड हेंस हैविंग द सिमिलरिटी। अच्छा बेटा, अदर एग्जाम्पल बताना है, दूसरा एग्जाम्पल बताओ बेटा, बोलिए। अदर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी आर द आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। करेक्ट, लिख दें, लिखना पड़ेगा बेटा, मैं वही लिखूंगा। आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल लिखें यहाँ पर। हाँ लिखें, लिखना तो पड़ेगा ही, तो मैं यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल दे, यो ये तो यहां लिख दिया है, ये लिख दे है ना, यहां पर आईज ऑफ ऑक्टोपस और आईज ऑफ बोलो मैमल्स, दोनों अलग अलग जगहों पर हैं कि एक जगह पर? अलग अलग, लेकिन दोनों फंक्शन क्या है बेटा? सेम। देखना सब कुछ क्या है, एक। अगला एग्जाम्पल और बोलो बेटा, कौन सा है? फ्लिपर सा बोलो, पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन। ठीक, इसमें बर्ड कौन है? मैमल कौन है बेटा? गुड, बहुत अच्छे। तो क्या था? नहीं, एग्जाम्पल। हाँ, फ्लिपर
किसके किसके बेटा? पेंगुइन। और बोलो इसमें कौन बेटा मैमल है? टाइम हो रहा है, हाँ 2 मिनट और बचे, ये खत्म कर दें तो। समझ में आ गया बेटा? बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो। करेक्ट बेटा, वन कैन से दैट इट इज द सिमिलर हैबिटेट दैट रिजल्ट इन द सेलेक्शन ऑफ सिमिलर एडाप्टिव फीचर्स। तो एडाप्टिव फीचर का मॉर्फोलॉजी हुई ना, ठीक है, इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बट टुवर्ड्स द सेम फंक्शन। एग्जाम्पल एक और आ गया, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज अनदर एग्जाम्पल। आप बोलो एनालॉगी, तो बात बोलो क्या लिखें? हाँ, स्वीट पोटैटो एंड बोलो पोटैटो, दोनों का क्या फंक्शन है? स्टोरेज ऑफ फूड। और एक स्टेम है, एक रूट है, एक बर्ड है, एक मैमल है, एक मोलस्का है, ऑक्टोपस। मोलस्का बेटा, एक मोलस्का है और एक मैमल है, और यहाँ एक बर्ड है और एक ऑक्टोपस है। कितने एग्जाम्पल दिए आपने? चार। हाँ, तुम चार पूछेंगे ना, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल और बेटा चौथा एग्जाम्पल। कैसा लगा चित्र आपको लगा? सुंदर सुंदर चित्र लगा है, चित्र सुंदर नहीं होना चाहिए ना। चलो, यहाँ पहला और ये दूसरा, यहाँ दो ही थे बेटा। नहीं, पर्टिकुलर हम इस पर देख रहे हैं ना कि कितने एनसीईआरटी लिखा है। क्योंकि यही तो बोलेंगे कितने एनसीईआरटी लिखे हो, कितने बाहर से। इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया। अगला बेटा केमिकल इवोल्यूशन का पार्ट है, जिसको हम लोग फिर करेंगे, फिर बताएंगे शाम को 4 बजे न 6 बजे इंतजार करना, अगर टाइम होगा तो लेंगे क्लास, अदरवाइज 6 साढ़े 6 1 बजे वाली आज नहीं लेंगे, 1 बजे वाली इस समय ले लिया हमने। ठीक है बेटा, हाँ कल सुबह है बायो, कल सुबह बायो की रहेगी, और दोपहर में कल कल 1 बजे होगी, आज कल 1 बजे नहीं होगी, कल नहीं होगी। ठीक, ओके बेटा, थैंक यू।